Hello everyone, welcome to my channel The Lecturer. Today, in this video, you will got the content about your class 12th English Flamingo, chapter 1st, the last lesson. So, the author of this lesson is Alphonse Daoud, who is a French novelist and a short story writer. Basically, the last lesson story is written in the days of the war when france and prussia war is going on prussia is the germany now we call prussia germany okay so basically the war is going on and france have to france district the alsace and lorraine taken by the prussians during the war so let's study further what happens okay so basically in this story there is two main characters. one the franz who is a student and also a narrator of the story and second mr hamel who is the teacher okay so let's begin what happened one morning franz was late for his school ek din kya school was late ho और उसी दिन जो उनके टीचर थे मिस्टर हैमल रिमेंबर द नेम ऑफ द टीचर मिस्टर हैमल ने उनको क्लास में एक टॉपिक दिया पार्टिसिपल्स इट इज़ अ टॉपिक ऑफ़ फ्रांस इन लैंग फ्रांच लैंग्वेज दट इज़ अ टॉपिक कॉल्ड पार्टिसिपल्स तो उस दिन टीचर ने ना उनको पार्टिसिपल्स टॉपिक को लर्न करने के लिए कहा था कि वो उनसे वो सुनेंगे तो फ़्रांस को वो बिल्कुल भी लर्न नहीं था इवन उसको उसका एक सिंगल वर्ड भी नहीं आता था तो क्या हुआ कुछ एक मोमेंट के लिए फ़्रांस ने सोचा कि वो स्कूल को बंग कर ले मतलब स्कूल नहीं जाए ठीक है कि वो अपना मतलब डे आउट ऑफ द डोरस स्पेंड करे आउट ऑफ द डोर्स मींस बाहर स्पेंड करे मतलब बंक करे स्कूल को और उस दिन उसको कुछ चीज़ें अट्रैक्ट भी कर रही थी क्या जैसे अट्रैक्ट जैसे वार्म वेदर उस दिन वेदर बहुत वार्म था बहुत ब्राइट था और बर्ड्स वर चिरपिंग मतलब बर्ड्स भी चिरप कर रही थी चू चू की आवाज़ निकालती है ना बर्ड्स दैट्स और क्या हो रहा था मतलब ओ फिर जो जैसे जैसे वो जा रहा था तो ओपन फील्ड था जहाँ पे उसको क्या दिखा स्वामविल दिखा और वहाँ पे जो प्रशियन सोल्जर थे वो क्या कर रहे थे ड्रिलिंग कर रहे थे तो देर आर टू वर्ड्स कम स्वामविल स्वैमविल मीन एक फैक्ट्री होती है वो लकड़ी काटने वाली फैक्ट्री ऑफ वुड कटिंग ओके एंड ड्रिलिंग मीन्स एक्सरसाइजिंग तो क्या था प्रशियन सोल्जर मीन जर्मन सोल्जर्स वहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे थे वो सब उसको अट्रैक्ट कर रही थी बर्ड्स का चिपिंग वार्म वैदर एक्सरसाइजिंग एंड ब्राइट वेदर लाइक दिस तो उसको वो सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर रही थी उसके पास इतनी स्ट्रेंथ थी कि वो उस चीज़ को रजिस्ट करे और उसने ये सब छोड़ा फिर वो फटाफट स्कूल को मतलब स्कूल को रनआउट हो गया स्कूल की तरफ भाग गया फटाफट ओके तो जब वो जा रहा था इन हरी तो उसने देखा कि मतलब बहुत सारे पीपल का क्लस्टर जमा हो रखा है इन फ्रंट ऑफ़ द बुलेटिन बोर्ड क्लस्टर मतलब भीड़ जमा हो रखी है पीपल की कहाँ पे किसके मतलब आगे बुलेटिन बोर्ड के आगे तो व्हाट इज़ बुलेटिन बोर्ड बुलेटिन बोर्ड क्या होता है बेसिकली नोटिस बोर्ड होता है और ये कहाँ था बुलेटिन बोर्ड टाउन हॉल में था टाउन हॉल मीन्स गवर्नमेंट बिल्डिंग सो गवर्नमेंट बिल्डिंग में ये बुलेटिन बोर्ड था वहाँ पे बहुत सारे पीपल्स जमा हो रखे थे और उसने बिना कुछ सोचे समझे वो आगे बढ़ गया बस बट उस जो बोर्ड पे लास्ट टू ईयर से कैसी न्यूज़ आ रही थी बैड न्यूज़ आई जैसे कि वॉर्स की, की न्यूज़ बैटल्स लॉस्ट होना उसकी न्यूज़ ड्राफ्ट की न्यूज़ ड्राफ्ट क्या होता है ड्राफ्ट होता है जब 18 और अबव मैं को फोर्स कर दिया जाता है वॉर्स में मतलब आर्मी में ज़बरदस्ती भेज दिया जाता है एटीन एम अबव को उसको ड्राफ्ट कहते हैं और ऑर्डर्स आ रहे थे फ्रॉम कमांडिंग ऑफिसर्स उसने ऐसा खुद से सोचा बिना रुके क्योंकि उसके पास टाइम नहीं था वो चलता गया और वो जैसे जैसे हर मतलब भागते हुए था बीच में उसको क्या मिला ब्लैक स्मिथ ब्लैक स्मिथ क्या होता है एक लोहार होता है ठीक है लोहा वाले है ना तो जिसका नाम था वॉचर तो उस ब्लैक स्पिन ने ऐसे ही उसको मतलब फ़्रांस को बोला बब यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम बब क्या कहते हैं मतलब जैसे ही एक कोई भी बच्चा होता है उसको एक एज अ निक नेम कहते हैं बब तो उसने ये बोला कि तुम अपने स्कूल के लिए ना आराम से प्लेंटी ऑफ टाइम में पहुंच जाओगे पर फ्रांस को क्या लगा वो उसका फ़न बना रहा है और फ्रांस कहाँ पहुंच गया मिस्टर हैमल्स के लिटिल गार्डन तक पहुंच गया मिस्टर बेसिकली मिस्टर हैमल ना टीचर थे स्कूल के वो ना फ्रांस फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते थे फ्रांस के अंदर ठीक है एलसेज के अंदर ओके एलसेज एंड लॉरियन टू डिस्ट्रिक्ट थे ना जो ले मतलब प्रशंस ने ले लिए थे और ये हम कहाँ की बात कर रहे हैं एलसेज की बात कर रहे हैं ओके okay? तो जो मिस्टर हैमल थे वो लास्ट फोर्टी ईयर्स से स्कूल में वर्क कर रहे थे और उन्होंने अपना छोटा सा बाहर वहीं पे गार्डन बना लिया था और वहीं पे उनका स्कूल के एक क्लासरूम के ऊपर उनका एक रूम भी था जहाँ पे वो और उनकी सिस्टर्स रहते थे ठीक है अभी आपको उस चैप्टर में आगे पता चलेगा इसके बारे में सो वेर वी आर की फ्रांच मिस्टर हैमल के लिटिल गार्डन पर पहुँच गया अब उसने क्या अनिवन नोटिस करा कि यूजली जब स्कूल शुरू होता है तो एक मतलब बहुत ग्रेट हसल बसल होती है हसल बसल मीन्स बहुत नॉइज़ आती रहती है जो मतलब बाहर की गलियों तक सुनाई देती है हेड आउट इन द स्ट्रीट और ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ टेक्स की साउंड आती है लेसन रिपीटेड इन यूनिशन लेसन रिपीट होते हैं यूनिशन में यूनिशन मतलब एट सेम टाइम जब हम मतलब आपने कभी स्कूल में देखा होगा सारे बच्चे खड़े होकर एकदम सेम टाइम पे कुछ रिपीट करते लाइक like, कोई वर्ड रिपीट करते हैं कोई रीडिंग करते हैं तो डैट्स कॉल्ड यूनेशन ओके तो मतलब नॉर्मल डेज में सब बहुत लाउड होता था टीचर्स जो रूलर रैप करते टेबल पे ठक ठक करके ना तो उस सब की भी आवाज़ आती थी एंड द सेंटेंस फॉर दिस इज़ द टीचर्स ग्रेट रूल ऑफ रैपिंग ऑन द टेबल ओके बट उस दिन ऐसा कुछ नहीं था उस दिन वहाँ पे सब क्वाइट था स्टिल था ठीक है तो क्या हुआ फ्रेंड्स ने फ्रेंड्स uh, सोच रहा था कि मैं इस नॉइ मतलब यूजली नॉइज़ होती है क्लास में तो नॉइज़ में जाके चुपचाप बैठ जाऊँगा कोई मेरे को देखेगा नहीं ना किसी को पता चलेगा बट उस दिन ऐसा कुछ नहीं था तो बहुत क्वाइट थी क्लास तो फ्रेंड्स फ्रा वो सॉरी फ्रांस ने पूछा कि फ़्रांस आज टू तो गो टू तो हिज सीट क्वाइटली तो मिस्टर हाम ने बोला फ़्रांस अपनी सीट पे जाके फटाफट बैठ जा तो जैसे ही फ़्रांस बैठा फिर उसने क्या नोटिस किया मतलब अपना सराउंडिंग नोटिस किया उसने कुछ और नोटिस किया अपने टीचर में मिस्टर हैमल में मिस्टर हैमल में क्या और नोटिस किया कि यूजुअली मिस्टर हामल ने क्या पहने हुए थे मतलब मिस्टर हामल ने ऐसे कपड़े नहीं पहनते यूजली बट उन्होंने क्या पहना था उस दिन उन्होंने मिस्टर हामल ने उन्होंने ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना था और एंड हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडर्ड वो ये कपड़े कभी नहीं पहनते थे एक्सेप्ट इंस्पेक्शन और प्राइज डे जब इंस्पेक्शन होता था और प्राइज डेज होते थे तब पहनते थे इंस्पेक्शन क्या होता है जब मतलब बाहर के लोग स्कूल में आते मतलब स्कूल को एग्जामाइन करने आते जब आपका स्कूल प्रमोट होता है तो वो इंस्पेक्शन होता है ओके okay. अंड जब फ्रांस वैसे क्लास में पहुंचा था तो मतलब उसको बहुत फ्राइटेंड फील हुआ ये आप ख़ुद भी फील कर सकते हैं जब पूरी क्लास शांत हो और आप लेट हो जाओ पहुंचो उसके बाद उसने बैठने के बाद ये सब नोटिस किया कि उसने टीचर ने मतलब कुछ मतलब कपड़े वैसे पहन रखे हैं जो सिर्फ वो इंस्पेक्शन और प्राइस टेस्ट पे पहनते एंड देन उसके बाद क्या हुआ उसको पूरा स्कूल ऑफ कोर्स स्ट्रेंज लग रहा था और बहुत सीरियस भी लग रहा था है ना तो और जो एक चीज़ थी जो उसको सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ करी क्या था कि जो क्लास की बैक बेंचेस थी वो यूजली एमपीटी होती है मतलब खाली होती है बट उस दिन क्या था जो विलेजर्स थे विलेजर पीपल वो वहाँ पे चुपचाप बैठे थे जैसे स्कूल में बच्चे बैठते हैं ठीक है वैसे वो वहाँ पर चुपचाप बैठे थे विलेजर्स में कौन कौन आए थे ओल्ड हौसर आए थे हौसर मतलब जो पुराने लोग होते हैं विलेज के ठीक है और हॉज़र आया था ओल्ड हॉजर आए थे उन्होंने क्या पहन रखा था उन्होंने अपनी थ्री कॉर्नर्ड हैट पहन रखी थी एक हैट होती है जिसके थ्री कॉर्नर होते हैं ओके तो उन्होंने थ्री कॉर्नर की हैट पहन रखी थी और कौन कौन लोग आए थे फॉर्मर मेयर आए थे फॉर्मर मतलब जो मतलब पुराने मेयर हैं मतलब जो रिटायर्ड हो चुके हैं ठीक है तो फॉर्मर मेयर आए थे ऐसे ही फॉर्मर पोस्टमैन आए थे और बहुत सारे अलग और लोग आए थे ठीक है और बहुत और जो फ्रांस को सारा मतलब सब कुछ अजीब ही लग रहा था उस दिन और उसने क्या देखा कि सब बहुत उदास थे उस दिन और उसको पता नहीं था कि ये क्या हो रहा है और फिर क्या हुआ कि उसने देखा कि हौसर क्या लाया हुआ था जो ओल्ड हौसर थे वो क्या लाए थे उनके पास क्या एक ओल्ड प्राइमर था प्राइमर मींस मतलब बेसिक रीडर बुक किसी भी लैंग्वेज की तो ऑफकॉर्स उनके पास फ्रांस लैंग्वेज की होगी जैसे बेसिक रीडर बेसिक रीडर थी उसको हम ओल्ड प्राइमर कहते हैं ओल्ड था उनके पास ठीक है जो जो थम्ड था और थम्ड मतलब थम्ड एट एजेस एजेस से वो थम्ड था और उन्होंने क्या करा था उस बुक को उस प्राइमर को अपनी नीज़ पे ओपन कर रखा था और उस नीज़ के ओपन करके उनके पेजेस पे अपने स्पेक्टिकल्स रख रखे थे अक्रॉस द पेज उनके स्पेक्टिकल्स लाइंग थे ठीक है तो अब क्या हुआ एज द क्लास बिगेन जैसे क्लास की शुरुआत हुई तो जो टीचर थे मिस्टर हैमेल ने एक अनाउंसमेंट की क्या अनाउंस किया कि दस दात दिस वॉज हज लास्ट फ्रेंच लेसन फॉर हज स्टूडेंट्स मतलब ये क्या है उनका लास्ट फ्रेंच लेसन है अपनी स्टूडेंट्स के लिए और क्यों है क्योंकि आई एम नाउ I am going to tell you one thing that uh, what we have studied a uh, few minutes ago that uh, when in the beginning when Franz was running to his school he saw the cluster of the people remember on the bulletin board. So on that bulletin board this news has come which Franz doesn't know and now he is going to know about that. दैट अनाउंसमेंट ऑफ मिसर हैमल केयरफुल तो वट मिसटर हैमल अनाउंस ऑन डैट डे मतलब मिस्टर हैमल ने क्या अनाउंसमेंट की थी ही अनाउंस द पर्शियंस हैड अनाउंस दैट फ्रेंच व नो लॉन्गर बी थॉट इन स्कूल्स मतलब उस बुलेटिन बोर्ड पे क्या नोटिस लगा था कि प्रशियन ने ये बोल दिया मतलब जर्मन्स ने ये बोल दिया कि अब स्कूलों में फ़्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी एल्सेज और लॉरियन में फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी।, जाएगी बिसाइड ऑफ़ इट क्या पढ़ाई जाएगी जर्मन पढ़ाई जाएगी कल से जर्मन टीचर आएंगे पढ़ाने के लिए और फ्रेंच टीचर्स अब नहीं रहेंगे स्कूल में मतलब वो उनका क्या ही काम होगा का कॉस तो ये वो न्यूज़ बुलेटिन बोर्ड पे लगी थी क्योंकि ये फ्रेंस को फ़्रांस को पता नहीं थी तो फ्रांस जो था उसको पता नहीं था उसको सब वियर डिस्प्ले भी लग रहा था उसको ये न्यूज़ कब पता चली जब उसके टीचर ने जैसे ही क्लास शुरू हुई उसके टीचर ने अनाउंस किया कि ये मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन है मेरे स्टूडेंट्स के लिए मेरी तरफ से और क्योंकि क्रिशियंस ने ये अनाउंस कर दिया कि अब फ्रेंच नहीं पढ़ी जाएगी अब स्कूल्स में जर्मन पढ़ाई जाएगी ठीक है तो फ्रांस को बहुत सडन मतलब बहुत सैड फील हुआ बहुत गिल्टी फ़ील हुआ तब उसने रियलाइज़ करा कि ये बैड न्यूज़ थी जो बुलेटिन बोर्ड लगी हुई थी ओके तब उसने क्या रियलाइज करा तब उसको वो रिम्बर आया हाँ वो भीड़ इसलिए हो रही थी तो ये था अब उसको बहुत ये हो रहा था गिल्ड फील हो रहा था कि अब फ्रांच स्कूल में पढ़ाई नहीं जाएगी उसको बहुत सॉरी फील हो रहा था कि वो उस क्लासेस बंक करता था मतलब अपने लेसन्स के लिए ज़्यादा मतलब वो नहीं था स्ट्रिक्ट नहीं था कल पे छोड़ देता था कि आज कोई टॉपिक दिया है मैं कल करूँगा कल करूँगा लाइक दिस और वो मतलब बहुत गिल्ड फील हो रहा था फिर उसके बाद उसने एक और चीज़ फ़ील करी अपने टीचर के बारे में भी उसने फील करा क्या फ़ील करा कि जो मिस्टर हैमल को वो और मिस करेगा कैसे द आइडिया डेट ही वॉज़ गोइंग अवे दैट आई शूड नेवर सी हिम अगेन मतलब उनको कभी देखेगा नहीं मिस्टर हैमल को वो सब और क्या था कि मिस्टर हैमल का जो रूलर था और कितने क्रैंकी वो थे मिस्टर हैमल वो सब वो सब वो मिस करेगा तो वो बहुत गिल्ट फील कर रहा था ये न्यूज़ पता करने के बाद क्योंकि उसने पूरे मतलब जब अपना फ्रेंच लैंग्वेज उसने कभी सीरियसली पढ़ी नहीं थी तो इस वजह से और जो पुअर मैन थे जो मतलब बैक पे बैठे थे इस क्लास के वो भी ऑनर थे इस लास्ट लेसन के आ, वो भी मतलब अपने फ़ाइन संडे क्लोथ्स में आए थे सारे मतलब उनको फाइन संडे क्लोथ्स मींस पुअर मैन जो थे आई एम रिपीटिंग दिस जो पुअर मैन थे वो भी मतलब सारे गिल्ड फील कर रहे थे वो मतलब इसलिए आए थे ताकि वो मतलब उन्होंने मतलब बहुत सॉरी फील कर रहे थे उन्होंने मतलब स्कूल नहीं गए और लैंग्वेज सीखी नहीं तो वो सॉरी फील कर रहे थे तो ऑल्सो उनका ये तरीका था इट्स अ वे टू थैंकिंग मास्टर मिस्टर हैमिल फॉर हिज फोर्टी ईयर्स फेथफुल सर्विस ये उनका तरीका था कि मिस्टर हैमिल को थैंक्स करने का उनके फोर्टी ईयर्स के लिए और रिस्पेक्ट शो करने का टूअर्ड्स ए कंट्री राइट तो इसलिए थे और आई एम टॉकिंग अबाउट फाइन्स इन क्लोथ्स जो मिस्टर हैमिल ने कपड़े पहन रखे थे ना टीचर ने दैट कोट शर्ट लिटिल बैग ब्लैक स्केल कैप ऑल एम्ब्रॉयड उन क्लोथ्स को क्या बोलते हैं हम सन्डे क्लोथ्स बोलते हैं अब क्या हुआ कि जो वो था फ़्रांस था उसको समझ आया कि अरे अरे इसलिए मिस्टर हैमल फ़ाइन संडे क्लोथ्स में आए थे अब मुझको समझ आया और उस अब उसको ये भी समझ आया कि जो ओल्ड मैन विलेजर्स थे वो क्यों पीछे बैठे थे वो मैंने अभी आपको बताया कि वो मतलब उनका तरीका था थैंक करने का मिस्टर हामल को फोर्टी ईयर्स ये सब था इसलिए वो आए थे इसलिए मतलब उनका वे था थैंक करने का और वो ख़ुद भी सॉरी फील करते थे कि वो स्कूल नहीं गए थे नो मोर स्कूल अब जब ये सब मिस वो फ्रांस क्या ये सारी चीज़ें फ्रांस अपने बैठा बैठा सोच रहा था तो अब क्या हुआ कि उसने अपनी मतलब उसको एक आवाज़ आई कि उसका नेम कॉल्ड हुआ फ्रांस तो उसकी टर्न थी कि वो रिसीड करने की पार्टिसिपल्स टॉपिक दिया था मिस्टर हैमल ने अब उसकी टर्न थी वो रिसीड करने की तो उसकी टर्न थी वो रिसीड करने की तो वो खड़ा हुआ एंड उसको कुछ आता तो था नहीं अब उस वो चुपचाप मतलब खड़ा हो गया ना वो ऐसे कह सकता बिल्कुल लाउड वॉइस में क्लियर विदाउट एनी मिस्टेक पार्टिसिपल टॉपिक वो रिपीट तो कर नहीं सकता था क्योंकि मतलब उसको करानी बट वो कन्फ्यूज़ हो जाता फर्स्ट वर्ड में कन्फ्यूज हो गया था और वहीं पे वो चुपचाप खड़ा हो गया था एंड होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क अपनी उसने डेस्क पकड़ रखी थी उसके हर्ट बीट हो रहा था और वो मतलब उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मतलब ऐसे सिर झुका के खड़ा था अपनी डेस्क पे कि वो सिर उठा के ऊपर देख ले नॉट डेयरिंग टू अप ओके तो फिर उसने उसी मोमेंट में एक और आवाज़ सुनी मिस्टर हैमल ने क्या बोला उससे आई वॉन्ट्स कोल्ड यू लिटल फ्रांस यू मस्ट फील बैड इनफ मिस्टर हैमल ने कहा मैं तुम्हें स्कोल आउट नहीं करूँगा बट तुम्हें बैड तो फील ना होना चाहिए uh, तो मिस्टर हेमल ने कहा कि सी हाउ इज़ इट हाउ इट इज तो उसने बताया कि कैसे होता है एवरी डे वी हैव सेट टू अर्थ सेल्फ बा आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम एवेल इट टमोरो मतलब मिस्टर हेमल उसको समझा रहे थे मतलब इवन सबको समझा रहे थे हर दिन हमारे पास टाइम होता है हम क्या सोचते हैं कि इसको कल कर लेंगे मतलब सब कुछ हम कल पे छोड़ देते हैं और अब क्या हुआ कि हम यहाँ इस ट्रबल में फंस चुके हैं क्या ट्रबल में फंस चुके हैं कि ऑफ कोर्स शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टू मॉर्नो मतलब एलसी पूरे एलसेज की यही याद आता है कि वो जो आज का काम है कल कल्प छोड़ते थे कि कल लर्न लेंग कर लेंगे कल लर्न लेंग कर लेंगे और अब इस वजह से ये गलती की वजह से एलसेज की दो फेलोज फेलोज मतलब जो प्रशियन है जर्मन पीपल जर्मन जिन्होंने ये एलसेज ले लिया अपने कब्जे में वॉर्स होती है न तो तो अब उन्होंने ले लिया अब हम अपने आप को कैसे फ्रेंचमैन प्रटेंड करेंगे ना तो हम अपनी स्पीक बोल मतलब अपनी लैंग्वेज बोल सकते ना ही हम अपनी खुद की लैंग्वेज लिख सकते ये मतलब इतना वर्स्ट और पुअर वो फीलिंग है लिटिल फ्रेंड मतलब वो उनको बता रहे थे मिस्टर हामिल लिटिल फ्रेंड्स को ही समझा रहे थे अब तो अब ये सब था तो मिस्टर हामिल ने और भी कुछ बोला कि जैसे पेरेंट्स भी पेरेंट्स का भी पेरेंट्स ने भी ऐसा ही कुछ करा कि पेरेंट्स ने मतलब अपने बच्चों को स्कूल में लर्न स्कूल की चीज़ें लर्न करने के बजाय प्रेफ़र करा कि मतलब फार्म्स में काम करो माइल्स में काम करो ताकि थोड़े वो लिटिल मोर मनी वो अर्न कर सके और इवन मिस्टर हैमिल ख़ुद को भी ब्लेम कर रहे थे कि उन्होंने भी अपने मतलब उनका जो गार्डन था वहाँ पे कभी बच्चों को क्या मैंने मतलब वो ऐसे बोल रहे थे क्या मैंने तुम्हें अपने गार्डन में वाटरिंग करने के लिए नहीं भेजा फ्लावर्स को मेरी भी गलती है इंस्टेड ऑफ़ लर्निंग योर लेसन मतलब उस बजाय तुम अपना लेसन लर्न करो उन्होंने भेजा नहीं और तब उन्होंने छुट्टी नहीं करी कि तब उनको फिशिंग पे जाना था तब भी उन्होंने वो दी मतलब हॉलिडे दी दैन फ्राम वन थिंग टू अनदर वो मतलब बताते गए मिस्टर हैमिल बेंटन टॉकिंग ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज सेंग दैट इट वॉज मोस्ट ब्यूटीफुल मतलब अब वो क्या कह रहे थे फ्रेंच लैंग्वेज के बता मतलब फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बता रहे थे कि ये बहुत मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है इन द वर्ल्ड और बहुत क्लियरस्ट मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है ठीक है जो हमें कभी नहीं बोलनी चाहिए और उन्होंने ये भी बताया कि ये लैंग्वेज हमारा क्या है लैंग्वेज इज़ क्री की टू देयर प्रशन मतलब उनकी आज़ादी के लिए एक यही एक लैंग्वेज ही है जो उनको बचा सकती है हामल ने यह सब एक टॉक करी क्या देने के लिए नेशनलिस्ट फीलिंग देने के लिए ठीक है मतलब ऑफ कोर्स अब उनको हमारा उनका देश मतलब डिस्ट्रिक्ट उनके वो जर्मन्स ने ले लिया था तो उनको बहुत फील आ रही थी अपने लैंग्वेज की कंट्री की अपने पीपल्स की और इवन even... <coughs> तो अब मिस्टर हामल ने क्या करा अपनी ग्रामर ओपन करी और एक लेसन पढ़ाया अब सारे बच्चों को मिस्टर हामल पढ़ाने लगे थे मिस्टर हामल ने एक्सप्लेन करी मतलब अपने मतलब टीचिंग उन्होंने स्टार्ट कर दी थी और जब वो पढ़ा रहे थे उस लास्ट लेसन पे जो टीचिंग थी वो इतनी मतलब बच्चों को इतनी अंडरस्टैंडिंग थी फ्रांस बता रहा था ये कि फ़्रांस को ख़ुद को इतनी इजीली अंडरस्टैंड हो रही थी वो चीज़ें जो उसको आज तक कभी मतलब मतलब उसने कभी ऐसे समझा ही नहीं और इवन ख़ुद मिस्टर हैमल आज बहुत पेशेंस से सारे बच्चों को पढ़ा रहे थे कि उन्होंने भी इससे पहले कभी ऐसे नहीं पढ़ाया एंड अब इस सब के बाद क्या था कि वो सोच रहा था कि अब मिस्टर हामिल इस कंट्री को ली मतलब छोड़ने वाले हैं उनकी पूरी फोटी इयर्स की फेथफुल सर्विस ये सब मिस्टर हामिल ने एक और चीज़ दी मतलब जब उनको पढ़ा रहे थे तो बच्चों को एक वो दिया मिस्टर हामिल ने नोटबुक दी जिसपे क्या लिखा था एल फ्रांस एल सेज फ्रांस एल सेज ऐसे सर्कल में ब्यूटीफुल राउंड में लिखा था और सबकी डेस्क पे वो न्यू नोटबुक्स खुली हुई थी और ऐसा लग रहा था कि जो फ्रांस का फ्लैग फ्रांस का फ्लैग है वो रोटेट मतलब ऐसा लग रहा था कि जो फ्रांस का फ्लैग है वो हर जगह रोटेट कर रहा है स्कूल रूम में एवरीवेयर हाँ मतलब वो टंगा हुआ है जैसे कॉर्नर्स लाइक like एक रोप पे कॉर्नर शेप में फ्लैग्स टंगे नहीं होते ऐसे लग रहा था कि वो टंगा हुआ है सब बहुत क्वाइट था सिर्फ क्या साउंड आ रही थी जब वो मतलब मिस्टर हैमल लिख रहे थे सारे सबके लिखने की आवाज़ आ रही थी पैन और पेपर की स्क्रैचिंग साउंड और इवन ऊपर से रूफ टॉप से पिजन्स की पिजन्स जो थे वो मतलब क्या कर रहे थे ऊपर पिजन्स भी थे मतलब इस जो सा मतलब मैं पिजन्स को बताती हूँ पहले ऊपर क्या थे पिजन्स थे जो मतलब अपने जो फुट से मतलब उनके फुट्स होते ना उससे वो खुद इवन रूफ पे स्क्रैच कर रहे थे और कूड कर रहे थे कूड मतलब उनकी साउंड पिजन्स की तो वो भी ऐसे कर रहे थे तो ये सब मतलब किसी ने ऐसा इस पर कोई अटेंशन पेंट नहीं किया पर फ्रांस ने नोटिस किया कि मतलब ये सब भी ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको भी बुरा लग रहा है ये फ्रांस का कोई सॉन्ग आ रहे हैं और उसने ये भी बोला कि विल ने make sing in Germany, दे मेक दम सिंग इन जर्मनी विन द पिजन क्या वो मतलब पिजन्स को भी जर्म्स उनको ये भी बोलेंगे कि फोर्स करेंगे कि तुम भी जर्मन्स में गाओ हाउ पिजन स्कैन मतलब वो कैसे कर सकते हैं यार वो मतलब स्टार्टिंग से फ्रांस सुनते वगैरह आ रहे हैं तो मतलब ऐसा मतलब वो फ्रांस की वो थी द लिटल बॉय उसकी ऐसी थिंकिंग uh, थी राइट right? लेसन चल रहा था ऐसे क्या हुआ कि जो क्लॉक थी पुल के साथ में ही चर्च था उसके अंदर जो क्लॉक थी वो ट्वेल्थ पे आ गई और वैसे ही क्या हुआ क्रिशियंस ने ट्रम्स बजाना शुरू कर दिया और उसी टाइम उनकी क्लास एंड हो गई थी मतलब कैसा हो रहा होगा यू कैन फील दैट बारह एकदम ट्वेल्व हो गए क्लास तो एंड होने का टाइम हो गया था और एकदम से प्रशियंस का क्या बजा उस चर्च में मतलब प्रेयर काइंड ऑफ़ प्रेयर हो रही थी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बज रहे थे और इवन मतलब क्लास एंड हो गई थी तो मिस्टर फिर क्या हुआ क्लास एंड हो गई तो मिस्टर हैमल ने क्या करा Uh, मतलब उस चर्च में क्या उन्हें लगा था एंगुलस वही काइंड ऑफ प्रेयर और सॉन्ग एट ट्वेल्व जो हो रहा था ठीक है मिस्टर हैमल फिर मतलब क्लास एंड हो गई थी तो मिस्टर हेमल खड़े हुए बहुत पेल थे और एंड हिस और मतलब वो बहुत पेल थे इन हिस चेयर मतलब खड़े हुए और मतलब फ्रांस ने कभी उनको ऐसे इतना लुक सो टॉल कभी नहीं देखा था वो एकदम ऐसे टॉल टाइप खड़े हुए और उन्होंने फिर क्या बोला माई फ्रेंड्स सेड ही क्या बोला उन्होंने माई फ्रेंड्स आय आय बस उनके ये लास्ट वर्ड्स थे मिस्टर हामिल के माई फ्रेंड्स आय आय बट कुछ उनको चॉकड कर गया मतलब कोई मतलब वो मतलब वो ना कुछ मतलब कोई स्ट्रॉन्ग इमोशनल फीलिंग उनको चॉकड कर गई कि वो मतलब आगे बोल नहीं पाए ठीक है तो फिर क्या हुआ वो हल्के से टर्न हुए ब्लैक बोर्ड पर एक चौक पीस ऑफ चौक उठाया और क्या लिखा उन्होंने लिखा ब्लैक बोर्ड पर बड़ा बड़ा एज़ मच एज लार्ज ही कैन रोड उन्होंने मतलब जितना वो लिख सकते थे ही कुड रोड मतलब उन्होंने लिखा क्या लिखा वे फ्रांस वी वे लै फ्रांस तो उन्होंने इसका मतलब क्या है लॉन्ग ले फ्रांस ओके तो उन्होंने बड़ा बड़ा ये लिखा उसके बाद देन ही स्टॉप वो फिर रुक गए और मतलब उन्होंने हल्का सा अपना हेड अगेंस्ट द वॉल ऐसे वॉल के सहारे हल्का सा हेड लगाया और बिना कोई वर्ड्स कहे उन्होंने एक गेस्चर मेड किया गेस्चर मतलब एक काइंड ऑफ सिग्नल दिया अपने हाथों से दैट स्कूल इज़ डिसमिस्ड मिल को मतलब स्कूल डिसमिस हो गया अब आप जा सकते हो तो मतलब बहुत इमोशनल भी थे उस टाइम मिस्टर हैम्बल तो दिस वाज द एंड ऑफ योर स्टोरी So, hope you liked it. Mean basically, remember the district Alsace and Lorraine. Okay, Hamel the teacher, forty years. Okay, the last bench, the old horse, and this. They are the some points I am telling you should remember. The last word of Mr. Hamel, my friends. I I, okay, and uh, also the, the sentence which uh, the birds one. Which uh, what is that? विल दे मेक दैम सिंग इन जर्मन इवन द पेशन मतलब दीज आर समू शुड रिमेंबर क्वेश्चन आर आस्ड फ्रॉम हेयर ओके एंड वन मोर क्यों उस दिन फ्रांस का मन भी नहीं था जाने का किस वजह से क्योंकि उसको पार्टिसिपेंस लेसन नहीं आता था और उसको कुछ चीज़ें अट्रैक्ट भी करी थी द बुलेटिन बोर्ड ब्लैक स्मिथ वॉचर ने भी फ्रांस को कहा था बब ये वाला सेंटेंस ओके okay? So, there are some more points you should remember. So, hope you will understand this lesson. Right? Do a reading of NCRT. Must. You will understand by reading more. And if you like it, give it a thumbs up and follow for more. And comment me which next chapter explanation you want. Okay. Bye for now. Bye bye. And please, guys, subscribe my channel, The Lecturer. Bye bye. Take care.